झांसी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली और लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उन्हें पसंद करती है और अपने प्रदेश में योगी जैसा ही मुखिया चाहती है जो प्रदेश में गुंडा राज खत्म कर सके और जनता को भयमुक्त एक वातावरण दे। इसी को देखते हुए भाजपा योगी की लोकप्रियता का फायदा इस बार आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उठा रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी जोशपूर्ण प्रचार अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को देश भर में उनके प्रभावी और आक्रामक भाषणों के लिए जाना जाता है और इस बार भाजपा ने उन्हें महाराष्ट्र में पार्टी की स्थिति को मजबूती करने के लिए मैदान में उतारा है। योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में 3 प्रमुख जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये जनसभाएं वाशिम, अमरावती और अकोला में आयोजित की जाएंगी। अब इन जिलों में भाजपा के लिए चुनावी माहौल तैयार करने और जनता के बीच भाजपा के विजन को पहुंचाने का कार्य योगी आदित्यनाथ करेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन से भाजपा समर्थकों में जोश बढ़ेगा और वोटरों को भी भाजपा की ओर आकर्षित किया जा सकेगा। वहीं योगी आदित्यनाथ का ये प्रचार अभियान भाजपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। उनके आक्रामक भाषण शैली और सशक्त व्यक्तित्व के माध्यम से भाजपा को उम्मीद है कि वो जनता तक अपनी बात प्रभावी ढंग से पहुंचा सकती है और पार्टी के लिए अधिक से अधिक समर्थन जुटा सकेंगे। वहीं योगी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 11 रैलियां करेंगे। 8 नवंबर से पीएम मोदी की जनसभा की शुरुआत होगी। 6 नवंबर को राहुल गांधी भी आरएसएस के गढ़ नागपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। 18 अक्टूबर की शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के ट्रम्प कार्ड साबित हो चुके योगी आदित्यनाथ मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 15 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वो पीएम मोदी से अधिक जनसभाएं में शिरकत करेंगे। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का असर भी महाराष्ट्र चुनाव में दिखेगा। दरअसल हरियाणा चुनाव में ही योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे के चुनावी नारे को लॉन्च किया। इस नारे में ग्राउंड पर इस कदर कमाल किया कि बीजेपी ने कांग्रेस के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। अब ये नारा इनके जुबान पर इस कदर चढ़ा कि गैर चुनावी राज्यों में भी बीजेपी समर्थक इसे आजमाने लगे। लोकप्रियता का आलम यह है कि कनाडा में हमले के बाद हिंदू समुदाय ने अपने प्रदर्शन में बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाए। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाए गए। कहा जा रहा है कि चुनाव में एमवीए के लिए मुस्लिम वोटरों की एकजुटता का जवाब इस नैरेटिव से दिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में बाबा का बुलडोजर भी काफी लोकप्रिय और प्रभावी साबित हुआ था। देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में उपस्थिति से भाजपा समर्थकों में खासा उत्साह है। उनकी छवि एक सख्त प्रशासक की रही है और ये छवि उन्हें न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय बनाती है। चुनाव प्रचार में उनकी उपस्थिति को महाराष्ट्र में भाजपा की स्थिति मजबूत करने के नजरिए से अहम मानी जा रही है। जनसभाओं में भी भाजपा की नीतियों, विकास कार्यों और विपक्ष के खिलाफ पार्टी के विचारधारा को प्रमुखता से मुखरता से प्रस्तुत करेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये दौरा पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें राज्यों के विभिन्न प्रभावशाली नेताओं को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रचार के लिए लगाया गया है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।